क्या ही बताए आप। देखिए हम अभी बात कर रहे थे अभी कि आपसे दो सवाल मैं पूछने वाला हूं, तो पहले दो सवाल मैं पूछता हूं, फिर रावण भी आपसे कुछ पूछना चाहेगा। पहला सवाल ये है कि सैनहॉक का मुकाबला वो ड्रॉप क्लैश जब हुआ, क्या आपको लगा था कि हाथ से टाइटल गया? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे मैप्स में बहुत सारी रैंडम चीजें होती हैं और हमारे पास शायद उस टाइम 10-15 पॉइंट्स की लीड थी भी। अगर हमें ऐसा टाइटल का कोई टेंशन होता तो शायद हम ड्रॉप क्लैश ना करते। Okay. और दूसरा फॉलो अप सवाल है कि 70 में जब आप आखिरी मैच में उतर रहे थे, तब आपने क्या देखा वहां पर जब आइकू सोल आपके ऊपर ड्रॉप क्लैश करने आ रही है? क्या आपको आइडिया लग चुका था कि सोल ही आ रही है इसलिए थोड़ा सा हम लेट उतरते हैं, देखते हैं कहां जा रहे हैं ये लोग, क्या प्लानिंग थी वहां? नहीं आइडिया का बात नहीं है, वो हमें पहले से ही पता था कि वो लोग ड्रॉप लेने वाले हैं। कुछ टीम्स और प्लेयर्स की हरकतें हमें पहले से पता रहती हैं क्योंकि हम ऑब्वियसली उनके सीनियर हैं, तो हमें पता रहता है कौन क्या करने वाला है। बट थोड़ा सा हमारा टीम का इंटरनल कुछ नोकझोंक की वजह से हम लोग 7 नहीं उतरे, वरना हम कहीं और एक अच्छा ड्रॉप लेने वाले थे, वो सब शायद हैरान भी हो जाते देख के। बट कोई बात नहीं, वो आगे के लिए संभाल के रखा है, तब लेंगे। जी हाँ जी हाँ, वो पूरा सिनेरियो हम देखेंगे आने वाले समय। जी हाँ, कई बार कुछ ऐसा होता है ना कि वो हम पे आए और हम उन पे चले गए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए सबको रेडी रहना चाहिए। ओके, ये मजा आएगा रावण, अभी सोचिए कुछ टाइम, मतलब क्या कितने घंटे बाकी है अभी? 20 घंटे बाकी है, तो कुछ टाइम बाद तो पता लग ही जाएगा कि क्या होने वाला है। कल से ही कुछ और स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहते हैं। बट रावण आप कुछ पूछना चाहते थे? जी मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए गेम से रिलेटेड सवाल तो हम पूछते रहते हैं, गेम के बाहर का सवाल मैं जानना चाहूंगा। लाइक जब से मैं आपको देख रहा हूँ, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जून मैग्नेट आपको बोला जाता है, तो आप कई बार होता है, कई बार अगर हम बात करें, कुछ बार ऐसा होता है कि सर्कल के बाहर होते हैं, तो वो प्रेशर आपके ऊपर आता है कि चलिए अभी हम सर्कल के बाहर है, और जो रोटेशन आपने पूरा इस पूरे इंटायर इवेंट में करके देखा है, वो किस तरीके से आप प्लान किए थे? देखो प्री प्लानिंग कुछ नहीं रहती है, मेरे प्लेयर्स को भी सरप्राइज ही मिलता है कि अब मैं ये मूव करा रहा हूँ या ये कराने वाला हूँ, यहाँ ड्रॉप कराने वाला हूँ, तो बस ऑन टाइम डिसीजन है, जो दिमाग में आ गया वो कर देते हैं, कभी प्रेशर तो लेते नहीं है, प्रेशर वाली कोई चीज आती नहीं है दिमाग में। Well, आपकी टीम के एक खिलाड़ी है निंजा बॉय, जिन्होंने एमवीपी के रेस में आज स्टार्टिंग में ही इतना दूरी तय कर लिया था कि कोई चेज भी नहीं कर पाता शायद से, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि ये परफॉर्मेंस क्या ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस के साथ है, या फिर उसको आपने फ्री हैंड दे रखा है कि जब फ्रैग मिले उठा? नहीं फ्री हैंड ऐसा कुछ नहीं है, खेलते तो सारे एज ए टीम है, बस उसके फ्रैगिंग स्किल्स थोड़ा ज्यादा अच्छे हैं तो बहुत ज्यादा मार देता है, और अच्छी बात भी है, वो टीम में उसका योगदान भी देखो आप काफी ज्यादा होगा।